हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर वन हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो इम्पोर्टेंट डिफरेंस यानी कि दो महत्वपूर्ण अंतर देखने वाले हैं, जिसमें पहला अंतर जो है वो है स्वपरागण व परपरागण के मध्य, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। वहीं जो दूसरा हमारा डिफरेंस है वो है परागण व निषेचन पर, यानी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के मध्य डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्वपरागण व परपरागण में अंतर की, देखिए इसके पहले हमने स्वपरागण व परपरागण के ऊपर लगभग 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिए, जिसमें हमने स्वपरागण से लाभ हानि, स्वपरागण परपरागण की विधियां, स्वपरागण परपरागण के लिए जो भी अनुकूलन होते हैं इनकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। और अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके पहले की परागण की यदि आपने दोनों तीनों वीडियो देखी होगी तो डेफिनेट रूप से आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप यहाँ पे कई सारे डिफरेंस बता सकते हैं। तो यदि आप स्वपरागण व परपरागण की वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, आसानी से आपको स्वपरागण व परपरागण के मध्य डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए पहला डिफरेंस यदि हम बात करते हैं, स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं तो स्वपरागण में आपने क्या देखा है कि यह प्रक्रिया जो होती है यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। कहने का मतलब यह है कि स्वपरागण के लिए केवल एक ही पौधा होगा और उसी एक ही पौधे में उपस्थित जो फ्लावर होते हैं उनमें आपस में परागण की प्रक्रिया होती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या एक फ्लावर से उसी फ्लावर में भी परागण हो सकता है। तो यदि केवल एक ही पौधा भाग लेता है और उसमें आपस में यदि अलग अलग नर व मादा पुष्पों के बीच क्या होता है, परागण होता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण में पहली चीज याद रखना है कि यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। पर परागण में देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि पर परागण की जो प्रक्रिया होती है यह परागण बेसिकली एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। यहां पे देखिए क्या है कि प्लांट अलग अलग हैं, क्योंकि कोई भी यदि आप पाएंगे कि यूनिसेक्सुअली प्लांट है तो यूनिसेक्सुअली यानी कि जो एक लिंगी पादप होते हैं उनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो यह परागण बेसिकली एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है, अर्थात यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के पौधे रहते हैं, दो अलग अलग पौधे रहेंगे और उनके मध्य आपस में क्या होगा, परागण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। तो पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि स्वपरागण के लिए केवल एक ही पौधा भाग लेता है और पर परागण में दो अलग अलग पौधे भाग लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण के लिए देखिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है कि स्वपरागण केवल उन्हीं पौधे में होगा जो पौधे द्विलिंगी यानी कि बाईसेक्सुअली होते हैं। इसके अलावा पर परागण में यदि आप देखेंगे तो इसके लिए पौधे का एक लिंगी होना आवश्यक है। और पर परागण की जो प्रक्रिया होती है यानी क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी फ्लावर का एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअली होना आवश्यक होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, देखिए जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसके लिए किसी भी प्रकार से पुष्पों का आकर्षक होना या इसके अलावा पुष्पों का सुंदर होना एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि आपस में आप पाएंगे कि नर व मादा दोनों प्रकार के जनन अंग जो है एक ही फ्लावर में उपस्थित है, अर्थात आप पाएंगे कि स्वपरागण की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार से ना तो पुष्पों को आकर्षक दिखने की आवश्यकता है, ना तो मकरंद युक्त स्राव करने की आवश्यकता होती है। जबकि पर परागण देखिए क्या होगा, पर परागण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम या तो कीट हो सकता है, या तो माध्यम कोई भी जल हो सकता है, या तो माध्यम वायु हो सकता है, या कोई भी एनिमल हो सकते हैं माध्यम के रूप में। तो चूंकि जो कीट होते हैं या कोई भी पक्षी यदि हो रही है, यदि पक्षी कोई माध्यम है या कीट कोई माध्यम है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा क्यों, तो फ्लावर यदि आकर्षक होगा तभी तो कीट उनकी ओर आकर्षित होंगे। तो फ्लावर को आकर्षक बनाने के लिए और साथ ही साथ पुष्प को बड़ा सुंदर व मकरंद युक्त होना चाहिए, तभी उसमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब पुष्प कैसा होगा, सुंदर या आकर्षक होगा, तभी कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे और पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो तीसरा डिफरेंस तो यही याद रखना है कि स्वपरागण के लिए पौधों के पुष्प का आकर्षक बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है किसी भी प्रकार से, जबकि पर परागण की प्रक्रिया के लिए पुष्पों का आकर्षक होना, बड़ा होना, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक है। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। ये अंतर भी आपको याद रखना है,
यह इंपॉर्टेंट अंतर है कि स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए कम पराग कणों की यानी कम पराग कणों या पोलन ग्रहण की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण की प्रक्रिया के लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि इससे जो बने बीज होते हैं वो संख्या में कम बनते हैं, हल्के होते हैं वह छोटे होते हैं। तो स्वपरागण के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले बीज होते हैं वो संख्या में भी कम बनते हैं, साथ ही साथ हल्के होते हैं और साथ ही साथ इनका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। इसके विपरीत यदि बात करते हैं परपरागण के परिणाम स्वरूप जो बने बीज होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं, बीज भारी होते हैं और आप पाएंगे कि ये बड़े शेप के होते हैं अर्थात बड़े आकार के होते हैं। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि विभिन्नता एवं विकास की संभावना कम रहती है। यदि स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो उसमें वेरिएशंस और डेवलपमेंट की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। वहीं यदि परपरागण की बात करते हैं तो इनमें विभिन्नता एवं विकास की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपस में दो अलग अलग प्रकार के पौधों के पुष्प भाग लेते हैं तो इस प्रकार से इनमें विकास की संभावना बनी रहती है। अगला और आखिरी डिफरेंस क्या है इनमें कि स्वपरागण के परिणाम स्वरूप पौधों की शुद्धता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, पौधों की शुद्धता बनी रहती है। और यदि परपरागण की बात करते हैं तो इस परागण से पौधे के जो गुणों की शुद्धता होती है वो पूर्णतया समाप्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्नताएं होती है और विभिन्नताओं से ही विकास होता है तो नए गुण विकसित हो जाते हैं जिस कारण से मूल जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण व परपरागण में जो पहला डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा डिफरेंस है वो है परागण व निषेचन में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए परागण की क्रिया में क्या होता है कि जो पराग कण होते हैं ये पराग कोष से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, परागण इसी को तो कहते हैं। किसी भी प्रकार से पराग कणों का पराग कोष से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना या वर्तिकाग्र की सतह पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो आप लिखेंगे कि परागण की प्रक्रिया वह होती है जिसमें पुंकेसर में उपस्थित जो पराग कोष होते हैं उसमें से पराग कण निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं। जबकि यदि निषेचन की बात की जाए तो निषेचन में आप पाएंगे कि मेनली आपको याद रखना है कि नर व मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वही तो निषेचन कहलाती है, अर्थात जो मेल व फीमेल गैमेट होंगे उनके आपस में संयुग्मन होने की जो क्रिया है, आपस में जो मिलने की क्रिया है वही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। देखिए इसके बाद अगली जो वीडियो है उसमें हम निषेचन और द्विनिषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की विस्तृत वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको समझना है कि निषेचन होता क्या है। तो निषेचन में आपको देखना है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपस में नर व मादा युग्मक मिलते हैं उसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन दोनों की लिखनी है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है परागण में कि इस क्रिया के अंत में दो नर युग्मक बनते हैं। परागण में आपने देखा है कि जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट यानी कि जब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है किसी भी अंकुरित परागकण से तो उसमें से दो नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक, मुख्य रूप से दो नर युग्मक बनते हैं। जबकि निषेचन में आप पाएंगे कि इसके अंत में युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट या युग्मनज बनता है। तो इस प्रकार से यह दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इस क्रिया में अगुणित कोशिका भाग लेती है। परागण की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि अगुणित कोशिका भाग लेती है। जो कोशिका भाग लेती है वो कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है। तो हेप्लॉइड कोशिका भाग लेती है किसके निर्माण में, परागण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। जबकि यदि निषेचन की बात करते हैं तो इस क्रिया में अगुणित कोशिकाएं मिलती है और आपस में द्विगुणित कोशिका बनाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि निषेचन की प्रक्रिया में क्या होगा कि इसमें अगुणित कोशिकाएं जो होती है इनमें भी भाग लेती हैं लेकिन वो आपस में मिलकर के एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती हैं। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि इस क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण में आपने क्या देखा है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, निषेचन में, क्योंकि आपस में कॉपुलेशन यानी कि मैथुन क्रिया के द्वारा ही
जो मेल गैमीट होता है अर्थात जो नर युग्मक होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, मादा के वजाइना में या एनिमल या आप प्लांट में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है कि डायरेक्ट पोलन पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका के माध्यम से जो नर युग्मक आते हैं वो कहाँ इंटर हो जाएंगे, सीधे भ्रूण कोष के अंदर और फिर वहाँ पे अंड कोशिका से मिलेंगे तो निषेचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो परागण की प्रक्रिया होती है इसमें सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जबकि निषेचन की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पांचवा और आखिरी डिफरेंस देखिए क्या है कि इस क्रिया के बाद पुष्प में सामान्यतः आकारिकीय परिवर्तन नहीं होता है। परागण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्यतया यदि हम बात करें तो किसी भी फ्लावर की आकारिकीय संरचना में परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी भी फ्लावर के आकार की परिवर्तन नहीं होता है परागण की प्रक्रिया के बाद। हाँ, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया के बाद परिवर्तन या बदलाव होता है। क्या क्या बदलाव होता है? जैसे ही निषेचन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पे तो निषेचन के पश्चात आपको याद रखना है कि फल एवं बीज का निर्माण होने लग जाता है अर्थात जो अंडाशय होता है तो निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात देखिए यहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि निषेचन के पश्चात जो ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, तो आपको याद रखना है कि निषेचन के पश्चात जो ओवरी या अंडाशय होता है ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है फ्रूट यानी कि ये फल में बदल जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि जो ओब्यूल्स होते हैं, जो ओब्यूल्स होते हैं, ओब्यूल्स यानी जो बीजांड होते हैं, बीजांड किस में बदल जाते हैं, तो बीजांड बदल जाते हैं सीड में यानी कि बीज में। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, निषेचन के पश्चात दो ही परिवर्तन होते हैं, अंडाशय जो है बदल जाता है फल में और ओब्यूल्स बदल जाते हैं सीड में। तो इस प्रकार से यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि परागण व निषेचन में भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों यहाँ पे जो डिफरेंस है स्वपरागण व परपरागण के मध्य डिफरेंस और परागण व निषेचन में अंतर, दोनों डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।